आदाब नाजरीन, आप सब पर सलामती हो। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर जो है वो तहरीक इंसाफ के मुतालिक है, जो फॉरेन फंडिंग का केस था, इलेक्शन कमीशन में गुज़िश्ता 8 साल से चल रहा था। काफ़ी तफसीलात आपको मिल चुकी हैं, लेकिन हम अहम जो नुकात हैं इस केस के मुतालिक या इस केस के फैसले के मुतालिक वो आपसे ज़रा शेयर करेंगे। आज जब फैसला आया तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर यकीनन एक बहुत ज़्यादा तादाद में सिक्योरिटी अहलकार मौजूद थे और सिक्योरिटी सख्त की हुई थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये साढ़े सात साल या 8 साल के बाद ये फैसला सुनाया है और उसमें कहा है कि जो फॉरेन फंडिंग थी, जो छुपाए गए थे अकाउंट्स, जो फंड्स छुपाए गए थे, वो इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ के खिलाफ साबित होते हैं। उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने कानून के मुताबिक एक नोटिस जारी किया है, शोकास नोटिस, जो इमरान खान की जमात को कहा गया है कि ये इतना अमाउंट्स जो है वो गैर ममनुआ था, और इतना अमाउंट्स जो है ममनुआ था जिसको तहरीक इंसाफ ने वसूल किया है, ना ये जब्त किया जाए। ये है उस नोटिस का मतन कि इस फैसले के मुताबिक अगर तहरीक इंसाफ को कोई एतराज़ है तो वो कहीं भी रुजू कर सकते हैं, यानी कि इसके बाद का जो फोरम है सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं, और ये ऐलान भी कर दिया है। अब देखते हैं कि इस फैसले के अंदर जो फैसला किया है इलेक्शन कमीशन ने, वो क्या ऐसे नुकात थे जो इलेक्शन कमीशन ने उनको माना है और उसके बाद उन्होंने ये फैसला दिया है कि इमरान खान की जो जमात थी या इमरान खान ने जो एफिडेविट या तफसीलात जमा कराए थे इलेक्शन कमीशन में वो झूठे थे। एक ऐसा आदमी जो आप सब जानते हैं, आरिफ नकवी, उसका नाम काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा। आपको पता है आरिफ नकवी कौन है? आरिफ नकवी एक पाकिस्तानी है, लेकिन उसकी शनाख्त जो है हम जो सब जानते हैं, वो एक तो बिजनेसमैन की भी है, बड़े पैसे वाला आदमी भी है, लेकिन साथ साथ जो बड़ी शनाख्त है वो कराची इलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रिक का जो कंपनी है वो उसके मालिक हैं। अब पता चल गया होगा आपको कि कराची के अंदर जितने भी के इलेक्ट्रिक के मामलात होते हैं वो दब क्यों जाते हैं, और उसका जो पैसा है लोगों से, कलेक्टिव लोगों से पैसा कैसे वसूल करती है, उनके खिलाफ जब शिकायतें जाती हैं तो क्यों नहीं सुनी जाती। ये मामला इसी तरह ही दब जाता है क्योंकि इस रियासत के जो हाकिम हैं, जो इसको चलाने वाले हैं, वो इस कंपनी के मालिक के साथ हैं, इस कंपनी के मालिक से फंड्स वसूल करते रहे हैं। ये एक बरतानिया की अखबार थी फाइनेंशियल टाइम्स, उस पर भी स्टोरी आई थी कि आरिफ नकवी ने $21 लाख इमरान खान को फंड के तौर पर दिए थे, और ये इस आज के इलेक्शन कमीशन के फैसले में भी यही है कि आरिफ नकवी ने फंड्स दिए हैं, जिसको माना भी है इमरान खान ने। अब इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि इसमें कोई 21 अकाउंट थे जिसके लिए कहा जा रहा था बाबर एस अकबर जो थे, जो बानी रुकन हैं इसके PTI के, उनको शिकायत थी कि फंड्स जो है छुपाए गए हैं, अकाउंट्स छुपाए गए हैं। उन्होंने इलेक्शन पहले सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में ये हुक्म दिया था कि बाबर अकबर को इलेक्शन कमीशन से रुजू करना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन में वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत चले गए। उसके बाद ये केस चलता रहा, और केस जब शुरू हुआ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आईं जिसमें PTI ने कोशिश की कि इस केस को नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उसकी 4 साल गवर्नमेंट थी। बहुत सारे तरीके, ज़ाहिर है गवर्नमेंट होती है, उसके पास सब कुछ होता है, तमाम तर अख्तियारात होते हैं, वो उसको इस्तेमाल करते हैं। एनीवे, आज तो फैसला आ चुका है। तो बाबर एस अकबर जो है, ऐसा नहीं है कि बाबर एस अकबर जो है, बाबर साहब जो हैं, वो कोई इस पाकिस्तान के एक ऐसे शख्स हैं जो बड़ी उसकी मोहब्बत है, कुछ भी हो भी सकता है, लेकिन यकीनन किसी ने भी उसको इस्तेमाल किया होगा कि ये पाकिस्तानी सियासत का एक ट्रेडिशन भी रहा है, रवायत भी रही है, ऐसे होता रहता है कि कोई ना कोई किसी न किसी को इस्तेमाल करता है, जो असल ताकत रखने वाले लोग हैं वो करते हैं। बहरहाल इमरान खान की जमात के खिलाफ फैसला आ चुका है। इसमें 13 अकाउंट थे जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ऐसे अकाउंट हैं जिससे PTI ने लातौलकी का इजहार किया था और कहा था कि ये अकाउंट हमारे नहीं हैं, लेकिन स्टेट बैंक से जब तफसीलात आईं तो स्टेट बैंक ने कंफर्म किया, और ये उस वक्त की बात है जब इमरान खान की हुकूमत थी, स्टेट बैंक ने तस्लीम किया कि ये जो 13 अकाउंट है जिससे लातौलकी का इजहार कर रही है तहरीक इंसाफ, ये तमाम तर जो अकाउंट्स हैं ये PTI के सूबाई या मरकज़ी अहदेदार इस्तेमाल करते हैं, उससे चलाते हैं। ये मामला यहीं भी ख़त्म हो गया क्योंकि स्टेट बैंक बहुत बड़ा इदारा है, उससे कोई डिनाई भी नहीं कर सकता, और इसी तरह अगर तहरीक इंसाफ चाहे तो उसको चैलेंज भी कर सकती है,
लेकिन आज तक उसको चैलेंज नहीं किया। जैसे फाइनेंशियल टाइम्स की जो स्टोरी है उसको भी किसी ने अब तक तहरीक इंसाफ वाले ने चैलेंज नहीं किया। डिनाई ज़रूर किया कि ये गलत स्टोरी है, लेकिन गलत है तो उसको चैलेंज करना चाहिए, नहीं किया। तो मैं आपको मज़ीद तफसीलात बताता हूँ कि आज इस केस के अंदर जो मेन चीज़ें हैं उसमें वो क्या हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन का फैसला यही है कि जो बैरून मुल्क से ममनुआ फंड्स लेने के इल्ज़ाम हैं वो इमरान खान की जमात के खिलाफ साबित होते हैं। दूसरा, इस फैसले में कहा गया कि पीटीआई को एक इजहार वजू का नोटिस जारी किया जा रहा है और उससे ये कहा गया है कि ये तमाम तर जो फंड्स आपने वसूल किए हैं ये गैर कानूनी हैं, क्यों ना इसे इलेक्शन कमीशन जब्त कर ले। दूसरा, ये कहा गया है कि पीटीआई के जो 8 अकाउंट्स थे उसकी तो मिल्कियत पीटीआई ने कबूल की कि ये हमारे हैं, उसमें फंड्स भी आते रहे हैं, लेकिन 13 अकाउंट्स थे जिसको उन्होंने कबूल नहीं किया और इसे फेक अकाउंट कहा जाता है। फेक अकाउंट तो आपने यकीनन सुना होगा, ये आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, फरियाल टालपुर, इन सब के खिलाफ चलते रहे हैं। और उस वक्त ये था कि फेक अकाउंट्स मतलब इन्होंने जाली अकाउंट्स बनाए हैं, फंड्स छुपाए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की है। आज वही फेक अकाउंट्स इमरान खान के खिलाफ साबित हो रहे हैं। इस पाकिस्तान के अंदर जो कानून है, जो पाकिस्तान का आईन है, उसकी शिक है 17 और उसका सब क्लास है 3। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इस शिक के तहत, इस आर्टिकल के तहत, इस सब क्लास के तहत ये तमाम जो फंडिंग हुई है वो पाकिस्तान के आईन की खिलाफ वर्जी है। साथ साथ ये भी कहा है कि जब ये फंड्स कंपेन चलाई जा रही थी अमेरिका में या दीगर ममालिक में, वहाँ का जो लोकल कानून था उसके मुताबिक तो तमाम तर जो तकाजे थे वो पूरे किए गए, लेकिन पाकिस्तान का जो कानून था उसके मुताबिक ये तकाजे पूरे नहीं किए गए। दूसरा, आरिफ नकवी का फिर जिक्र आ गया है इसमें कि पीटीआई पाकिस्तान ने जानबूझकर धोखादेही में मुलव्वस कारोबारी शख्सियत आरिफ नकवी के ज़ेरे इंतज़ाम कंपनी से अतियात वसूल किए। आरिफ नकवी ने बयान हल्फी तस्लीम किया है कि 21 लाख से ज़ायद रकम वूटन क्रिकेट लिमिटेड से मुंतकिल हुई। यानी आरिफ नकवी का भी एक एफिडेविट था जो जमा था वहाँ पे, और उसमें उन्होंने तस्लीम किया है कि ये फंड्स हमने इतने 21 लाख डॉलर मुंतकिल किए थे पाकिस्तान में। उसके बाद कई ऐसे मौके आए जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि बरतानिया में, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर से, अमेरिका से ये फंड्स वसूल हुए हैं और इस फंडिंग के लिए कंपेन चलाई गई थी कि पाकिस्तान के अंदर एक सियासी जमात है जो आवाम की खिदमत करना चाहती है, उसके लिए फ़ंड चाहिए। अब इसमें एक पाकिस्तानी की हैसियत से जो लोग वहाँ रहते हैं उनकी उनका तो यकीनन एक एक ख्वाहिश भी होती है और दिली तरह से वो चाहते भी हैं पाकिस्तान तरक्की करे, लेकिन इसके अंदर कुछ 34 अफराद ऐसे हैं जो गैर मुल्की हैं, जिसमें इंडियन जैसे रोमिता शेट्टी और रवि लाल है, कुछ दूसरे नाम भी हैं, और उसके अलावा ब्रिटिश नेशनल हैं, अमेरिकन नेशनल हैं, ऑस्ट्रेलियन हैं। इन लोगों ने भी फ़ंड दिए इमरान खान को कि जाएं आप पाकिस्तान की जाकर खिदमत करें। अब क्या इंटरेस्ट उनका हो सकता है इसकी तो इदारे ही खोज लगा सकते हैं कि इमरान खान को जब एक इंडियन बिजनेसमैन ने पैसा दिया वो क्यों दिया, किस लिए दिया। रोमिता शेट्टी अमेरिका में बिजनेस करती है और उसका ओरिजिन जो है, जो ताल्लुक है उसका, इंडिया के साथ है। अब ये मैं नहीं कह रहा, इलेक्शन कमीशन ने कहा है और जो स्टेट बैंक ने एक डिटेल फराहम की है, जो तहरीक इंसाफ ने डिटेल फराहम की है फंडिंग के हवाले से, उसमें ये सारा कुछ लिखा हुआ है। और 351 बैरून मुल्क की कंपनियां हैं जिन्होंने इमरान खान को फंडिंग की है। अब इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि इमरान खान ने चोरी की है या इमरान खान ने कोई गलत काम किया है। ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि वो गलत गलत काम हुआ है इमरान खान ने, अगर इनको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो चोरी की है, ये कहा है उन्होंने जो फैसला आया है। लेकिन इस फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान किया है, ये उनका राइट है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हुई है वो ये है कि स्टार्ट तो हो गया है एक काम, कि अगर इमरान खान ने जो बतानबाजी या जो इल्ज़ाम दूसरों पे लगाए थे अब वही इल्ज़ाम इस पर आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर शहबाज शरीफ के लिए कहता है कि उनके खिलाफ़ एक क्लियर कट केस है मनी लॉन्ड्रिंग का, उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया है, लेकिन वो केस अभी चल रहा है।
वो अब तक इल्ज़ाम हैं, लेकिन वो कहता है कि नहीं ये सही है। तो क्या ये हक दूसरों को पहुंचता है कि इमरान खान के लिए कहें कि ये जो केस है, ये जो फैसला है जो आपके खिलाफ आया है, जिसमें आप कन्विक्ट हुए हैं, ये भी सही है? तो फैसला आपने करना है, सिर्फ आपको ये बताना था कि इसमें कौन कौन सी अहम चीज़ें हैं इस फैसले के अंदर और उसमें क्या हुआ है। और ये फैसला पब्लिक ने भी करना है, इदारों ने भी करना है, सुप्रीम कोर्ट ने भी करना है कि इसका असल कहानी क्या है, इसकी वजह क्या हो सकती है, जो फंडिंग हासिल की गई, जिन गैर मुल्कियों ने फंड दिए उनका इंटरेस्ट क्या था पाकिस्तान के अंदर, और उसके बाद इमरान खान की पोजीशन क्या होती है, क्या वो पाकिस्तान के अंदर एक अहल सियासतदान की हैसियत से काम कर सकते हैं या दूसरों की तरह वो भी बाहर बैठकर खेल खेला करेंगे। इजाज़त दीजिएगा।